Good morning, students, and most welcome to another lecture of differentiation. बच्चों हम लोग calculus के topic में अंदर जा चुके थे. Continuity क्या होती है पढ़ चुके हैं. Differentiability क्या होती है पढ़ चुके हैं. उस पर based questions भी कर चुके हैं. अब calculus में एक another topic हम लोग का start होने वाला है और ये topic बहुत ही ज़्यादा important है. और ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन, है ना? क्लास 11th में भी आपने इस टॉपिक को एक अच्छे लेवल तक पढ़ा है. हमने 11th क्लास में भी इसको बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया था. चेन रूल वगैरह सब बता दिए थे आप लोगों को, है ना? अब उसी चीज को थोड़े और डेप्थ में, थोड़े और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम लोग को डिफरेंशिएशन यहाँ पे पूरा करना है. समझ रहे हो बात को? चलो तो चैप्टर स्टार्ट हो, हम थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करें. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं चाहता हूं आप लोग को बता दूं इस चैप्टर के रिगार्डिंग. देखो बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इस पे अपना कमांड खो दोगे, यहाँ मेरे कमांड कहने का मतलब है उस लेवल का कमांड, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 2+2 क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2+2 4 होता है. और अगर कोई दूसरा बंदा आए और बोले कि 2+2 5 होता है, तो आप उसके लिए भगवान से भी लड़ जाओगे कि नहीं, 2+2 is the 4, यही मेरा करेक्ट आंसर है, 5 तो हो ही नहीं सकता. इस लेवल की कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कमांड आपको इस चैप्टर में डेवलप करना है. अगर आप इस लेवल का कमांड और कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे इस चैप्टर में, तो इसके बाद आगे आने वाला एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में सीखोगे. और इस डिफरेंशिएशन को सीखने के बाद इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी AOD नामक चैप्टर में पढ़ोगे. उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4-5 ऐसे चैप्टर्स हैं. एक चैप्टर है AOD, बट उसके अंदर 5-6 चैप्टर्स हैं, ठीक. और हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन का एक यूज है. तो सोचो कि अगर इस चैप्टर पे तुम्हारा कमांड नहीं है, तो ये चैप्टर तो गोल हुआ ही. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 5 चैप्टर खत्म हो गए. और यहां अगर मेहनत आपने अच्छे से नहीं किया है, तो इंटीग्रेशन भी आपको क्लियर नहीं होने वाला, बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी उल्टा है. अब सोचो, इंटीग्रेशन नहीं क्लियर होगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं क्लियर होगा. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं क्लियर होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं क्लियर होगा. यानी कुल मिला के आपकी 30 से 35 नंबर की पोर्शन आज के इस चैप्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है. तो थोड़ा सीरियस रहो इस चैप्टर को लेकर, एकदम सीरियस रहिए. चीज़ों को टाइम टू टाइम मेरे साथ करते चलिए, है ना, एकदम बढ़िया से करते चलिए. कहीं पे भी दोबारा करने का कोई मौका ना छोड़ो. किसी भी चीज़ को छोड़ो मत कि बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, अभी दूसरा पढ़ लेते हैं, क्लियर नहीं हो रहा तो नहीं, एकदम क्लियर करके ही चलना है, ये दिमाग में रखो बात को. तीसरी बात, अब अगर सर इस पर कमांड करना है, इस टॉपिक को हमको कॉन्फिडेंस में लेना है, अच्छे से कमांड करना है, तो क्या ज़रूरी है? बेटा सबसे पहले किसी भी टॉपिक को कमांड करने के लिए उसके बेसिक्स जरूरी होते हैं. छोटे छोटे चीज़ों पे अगर आपका अच्छा पकड़ होगा, आप अच्छे से कर पाओगे, है ना, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, आप छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, तो आपको डिफरेंशिएशन के पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे. लेकिन अगर छोटी चीज़ों पर आपका कमांड नहीं होगा तो आपसे नहीं बनेगा, है ना. तो इस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आएगा. पीछे के जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़े हैं उसके पूरे यूज़ आने वाले हैं. इस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ लॉगरिदम का यूज आएगा, जो आपने लॉगरिदम पढ़ा है उसका यूज आएगा. ऐसे करके बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक्स का यूज आएगा. अब जहां पे भी तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, और क्यों नहीं बना, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला नहीं याद था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को एकदम बड़ा सा करके एक जगह कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद कर जाएंगे, ताकि अगर वही फॉर्मूला फिर आगे कहीं डिफरेंशिएशन में यूज्ड हो तो आप क्या करोगे, उसको अप्लाई कर पाओ. तो ये होता है कंटिन्यूअस सीखते चलना. मतलब जो आपको नहीं पता आप उसको सीखते चल रहे, है ना. तो ये इंटेंशन रखो.
ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पहले हम लोग 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को क्लीन करेंगे। जो हमने 11th में पढ़ा, वेल डन, हमने बहुत अच्छा मेहनत किया। लेकिन हम एक बार फिर 11th क्लास के छोटे मोटे चीजों को पढ़ेंगे, जो मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और तब हम 12th क्लास के ऊपर प्रोसीड करेंगे और तब 12th का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से सीरियस रहो मेरे प्यारे बच्चों, और डरना नहीं है, आप कर लीजिएगा। भरोसा रखिए मेरे ऊपर, भरोसा रखिए अपने ऊपर। बस जो बता रहा हूँ उसको साथ साथ करते चलिए। गारंटेड लिख लीजिए कि आप मास्टर हो जाइएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर के। आ गई बात समझ में? चलो तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है, डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बुक में इस चैप्टर को डेरिवेटिव्स के नाम से स्टार्ट करता है। तो वही बात है, डेरिवेटिव्स कहो या डिफरेंशिएशन कहो, दोनों बातें सेम है। इस डेरिवेटिव्स में हम सबसे पहले जो चीज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कैसे हम किसी भी डेरिवेटिव्स को डिफाइन करते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, डिफाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप डेफिनेशन पे पढ़ाई कर लोगे, डेफिनेशन समझ जाओगे, है ना, तो हम लोग जानेंगे इस डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एकदम आराम से समझो बच्चों, एकदम स्लो स्लो, खुशी से, है ना, आराम से समझना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, उसके बाद आपने डेरिवेटिव पढ़ लिया, आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया कि इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, और तब हम लोग तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे बच्चों फंडामेंटल फॉर्मूलाज। फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे, समझो मेरी बात को, फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, जब फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ लोगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स जो एकदम छोटे छोटे रूल्स हैं उनको देखना है। फिर फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास एक डिफाइंड रूल आता है, आपने पढ़ा होगा, वो कौन सा रूल है मेरे बालक? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद सिक्स्थ नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों डिवीजन रूल। तो आपने क्या पढ़ लिया? प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया और डिवीजन रूल पढ़ लिया। ये जो इतना पोर्शन था जो मैंने अभी तक आपको यहां तक की चीजें बताई, ये सब आप पढ़े हुए हो, और ये क्लास 11th का सिलेबस है, क्लास 11th का सिलेबस है। लेकिन जब ये पढ़ लेते हो तो सातवें नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं चेन रूल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग? चेन रूल, है ना। ये अपने यहां से अपने 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होता है चेन रूल से। जब आप चेन रूल पढ़ लीजिएगा तब आप पढ़िएगा 7th-8th नंबर पे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ोगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। जब इसका डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो 9th नंबर पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़िएगा। उसके बाद 10th नंबर पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। समझना, पैरामेट्रिक फंक्शन सब बताया जाएगा। फिर आएगा 11th नंबर पे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, और तब आपके पास 12th नंबर पे आएगा इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, ठीक। और जब इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तब 12वें नंबर पे हम तुम लोग को बताएंगे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो अगर हम चाहें तो हम भाई डायरेक्ट चेन रूल से स्टार्ट करें, है ना, और उसके बाद अपना फटाफट फटाफट ट्वेल्थ की सिलेबस खत्म कर दें, लेकिन नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। थोड़ा सा दो तीन क्लासेस एक्स्ट्रा सही, मतलब हमने जितने क्वेश्चंस बनाए थे इलेवेंथ में उतने क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कम से कम इतना जरूर करेंगे कि हमारी ये चीजें रीकैप हो जाए, है ना। जब ये रीकैप हो जाएगा तो एक तरीके से हम क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे, और तब ये सब चीजें पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इससे एक बहुत अच्छे अमाउंट का क्वेश्चन पूछता है, हमारे बिहार बोर्ड में तो पूछता ही है, साथ साथ सीबीएसई का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग तुरंत इस मैप को उतारो, और उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा से, इसकी डेफिनेशन से चीजों को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों प्लीज उतार लीजिए इस चीज को। बस आराम आराम से पढ़ते चलो, और धीरे धीरे हम लोग हर चीजों को कंप्लीट करते चलेंगे, है ना, बिना किसी तकलीफ के। देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसके डिफाइन के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया गया। एकदम आराम से, कहीं हड़बड़ी मत रखना, चुपचाप मन को शांत करिए और इसके डिफाइन को समझिए। कहता है कि मान लेते हैं, लेट एफएक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन द इंटरवल ए टू बी, है ना। आपने क्या मान लिया, आपने माना कि आपके पास कोई फंक्शन था एफ एक्स। अच्छा, इस फंक्शन की स्पेशियलिटी है, दो स्पेशियलिटी, पहला ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा चलो बताओ, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। वैसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं जो क्या करता हो, जो आउटपुट के तौर पे, यानी जिसका रेंज रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का रेंज यानी उसकी आउटपुट रियल आती है तो हम वैसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो आपने मान लिया कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब ये फंक्शन किसी न किसी डोमेन में तो डिफाइंड होगा, तो बोला गया कि वो डोमेन है ए से लेके बी तक, ठीक है। अब माना गया कि लेट सी एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से बी तक, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी एक्स टेंस टू सी विच इज इक्वल टू Finite, which is equal to finite. समझना मेरी बात को। कहा गया कि कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लो और उसके डोमेन पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव को, उस फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफाइंड किया गया कि वो डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो इस लिमिट का फाइनाइट वैल्यू होगा, इस लिमिट का फाइनाइट वैल्यू होगा। यानी इसको दूसरे तरीके समझो, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। आपने क्या किया कि इस फंक्शन में लिमिट का वैल्यू निकाला, कौन सा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। याद करो ये एलएचडी का फॉर्मूला है, x माइनस सी एलएचडी वाला, x टेंस टू c, लिमिट का इसका वैल्यू निकालने गए। ये वैल्यू एग्जिस्ट किया, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट किया, और एग्जिस्ट करने के साथ कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दे दिया, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू दे दिया। तो ये जो फाइनाइट वैल्यू आया, यही फाइनाइट वैल्यू इस फंक्शन का क्या कहलाया, डेरिवेटिव कहलाया, डेरिवेटिव ऑफ किसका,
fx कहलाया। और कहां पे कहलाया, तो किस पॉइंट पे आपने चेक किया, c पे, तो कहोगे at x बराबर c पे कहलाया। ठीक है, तो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, उस पॉइंट पे इस लिमिट की वैल्यू निकाल दो। इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वही चीज उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा, है ना। और कहां पे कहलाएगा, जिस पॉइंट पे लिमिट को निकाले हो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वो डेरिवेटिव कहलाएगा। समझ रहे हो। अब अगली बात क्या है, तो कहा गया कि अब इस डेरिवेटिव को सिंबलाइज किया गया, डिनोट किया गया। कहा गया कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश सी लिखा जा सकता है, बिकॉज सी पे निकाले हो, तो कैसे लिख सकते हो, एफ डैश सी लिख सकते हो, या फिर डिफरेंशिएशन यानी डी किस चीज का, एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और कहां पे, एट एक्स बराबर सी। तो या तो इससे डिनोट कर लो या फिर किसी और चीज से इसको डिनोट नहीं किया जा सकता, इससे नहीं तो इससे, बस। समझ गए बात को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का या फिर डिफरेंशिएशन का मतलब बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्चुअली में हम लोग उस फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। अब वो लिमिट किस टाइप का होता है, तो वो लिमिट होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, एक्स टेंस टू सी। और इस लिमिट की जो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी वही फाइनाइट वैल्यू मेरा डिफरेंशिएशन होगा या डेरिवेटिव होगा। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत इसमें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा, मैंने एक बार आपको रीकैप करा दिया, कोई प्रॉब्लम है। ठीक, तो एकदम सिंपल से इसको समझ लो कि डेरिवेटिव मतलब इस लिमिट का वैल्यू निकालना। अब क्या हुआ है कि जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं उसके वैल्यूज को निकाल निकाल के फॉर्मूला बना दिया गया है, और हम वो फॉर्मूले को याद रखते हैं और जहां भी उसकी जरूरत आती है हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक, तो पहले आप इसको उतारिए, हमने डेफिनेशन इसका पढ़ लिया है, अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुमको डिफरेंसिबिलिटी में बताया है, लेकिन एक बार उसी चीज को हम फिर यहां पे रीकैप करने वाले हैं। पहले इसको उतार लो, चलो जल्दी से उतार लो बच्चों। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने क्लास 11th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, हर एक टॉपिक को बढ़िया से बताया गया है, यहां तक कि डिफरेंसिबिलिटी जब मैं बता रहा था तो उसमें भी मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि इसका मतलब होता है टेंजेंट, है ना। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। तो आ जाओ बच्चों, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट सी। किसी भी पॉइंट सी पे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये पता लगाना है ना। देखो कितने आसानी से पता लगा सकते हैं मेरे बच्चों, देखो कितने आराम से समझना मेरी बात को। जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब मैं तुमसे पूछूं कि एफ डैश सी का मतलब बताओ, तुम फट से बोलोगे सर जी लिमिट, हम बोलेंगे हाँ, किस चीज का, फंक्शन का, वेरी गुड, माइनस एफ ऑफ सी, अच्छी बात है, एक्स माइनस सी, और आप एक्स को टेंस करा दो सी, इसकी जो वैल्यू आएगी वही मेरा एफ डैश सी होगा। सिंपल है। अब इसी को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं, आ जाइए, दिख रहा है ना, मेरे हिसाब से दिखना तो चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूं जरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों समझना मेरी बात, तो एकदम आसानी समझो। मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट है इस जगह पे, या इस जगह पे एक पॉइंट हमने ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, ठीक है, ये पॉइंट ए है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ मेरे को फटाक से, इस पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं पी मान लूं तो पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे। अब हम क्या किए कि इससे थोड़ा सा आगे गए, यहां पे चले आए, ठीक है, इस जगह पे चले आए। ये कितने दूरी पे था? सी दूरी पे था। कितने दूरी पे था? सी के दूरी पे था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो कोऑर्डिनेट हमने ले ली वो यहां पे हो गया एक्स प्लस सी, ज्यादा हो गया। और अगर इसकी बात करें, हम इस क्यू की बात करें, तो हमको जो क्यू मिलेगा वो क्यू मिलेगा एक्स प्लस सी, मिलेगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिल जाएगा, ठीक। और एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, सी। तो ये चाहो तो ऐसे ले लो, और नहीं तो यहाँ से पूरा मान लो, इस पूरे को सी मान लो, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं, हमको जो चाहिए उसको निकालने के लिए, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने एक्स प्लस सी और यहाँ पर एक्स प्लस सी कर दिया, कोई दिक्कत है। अब देखो, अब अगर हम इस दोनों को ज्वाइन करें, इस P और Q को ज्वाइन करें, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो हमको एक कॉर्ड दिखेगा, ये कॉर्ड दिख रहा है। इस कॉर्ड को अगर इधर प्रोड्यूस किया जाए तो ये X एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा, और इस एंगल का अगर हम टैन थीटा ले लें, टैन थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, इस लाइन का, इस कॉर्ड का स्लोप मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टैन थीटा मेरा क्या हो गया, बताओ, सॉरी, कॉर्ड PQ स्लोप हो गया, कॉर्ड PQ का स्लोप हो गया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, इसको ज्वाइन करो। जैसे इसको ज्वाइन करोगे ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है, सॉरी, ये भी एंगल थीटा क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब अगर वहां पे टैन थीटा लगाओ तो तुमको दिखेगा कि ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, इसका नाम दे दो टी। तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया क्यू टी और बेस हो गया मेरा BT। मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है, ये किसका स्लोप हो गया, कॉर्ड PQ का स्लोप हो गया। इस QT को लिखा जा सकता है, अगर ध्यान से देखिए तो F of X plus C minus F of X, ठीक है, और उसके बाद PT को लिखा जा सकता है X plus C minus X, यानी कि सिंपल सिंपल लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, X plus C minus X लिख सकते हो। ये मेरा हो गया क्या, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। अब हमने क्या किया कि इस चीज में लिमिट लेना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया हम इसको लिमिट कर दिए। लिमिट कैसे कर दिए, लिमिट x टेंस टू, सॉरी लिमिट c टेंस टू जीरो, मतलब ये जो तुमने C लिया इसको एकदम छोटा करो, टक 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 टक, एकदम छोटा ले आओ। जैसे जैसे इसको छोटा लाओगे ये जो कॉर्ड है ये बन जाएगा आपका एक यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। तो जैसे ही तुम लिमिट C टेंस टू जीरो करोगे, f ऑफ x प्लस सी माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस सी माइनस x, अगर ऐसा करते हो तो ये चीज अब स्लोप ऑफ कॉर्ड नहीं देगा बल्कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। टेंजेंट एट x, किस पॉइंट पे देगा, x पॉइंट पे टेंजेंट दे देगा, समझ रहे हो। तो वही चीज मैं एक्सप्लेन करने की आपको बाबू कोशिश कर रहा हूं कि आखिर किसी भी, ये डिफरेंशिएशन है ना, देखो ये डिफरेंशिएशन है f डैश x है ये। तो पता चला इस चीज से कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है उस फंक्शन के, जहां पे जैसे मान लो तुम यहां पे ए पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, इस फंक्शन का ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तो इसके डिफरेंशिएशन को निकालने का मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बना रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। याद करो मैंने डिफरेंसिबिलिटी में तुम लोग को बताया था कि अगर कॉर्नर बनता है तो यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा, यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा तो यूनिक स्लोप नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। डिफरेंशिएबल नहीं कहने का मतलब है कि हम उसको डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, उसकी डिफरेंसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो डिफरेंशिएशन के लायक वहां पे नहीं है। तो एक बार तो मैंने वहां बताया ही था, फिर इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब है उस फंक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप निकालना, ठीक है, समझ गए बात को। चलो अब इसको चाहो तो उतार लो, नहीं तो तुम उतारे हुए हो, है ना, इससे ज्यादा बेटर तरीके से तुमने डिफरेंसिबिलिटी में उतार रखा है, मन करे तो उतारो और नहीं तो रहने दो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका उतना कहीं जरूरत फिलहाल अभी नहीं आने वाला, हम फिर बताएंगे इसको, अभी आगे बढ़ेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इस चीज को एक बार और देखना है हमें, है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
एक बार बस रिकैप हो गया आपका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपके दिमाग में आ गया, रिकैप चल रहा है ना, छोटी छोटी रिकैप है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। तो सर हमने डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि आखिर इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। अब हम जा रहे हैं क्या पढ़ने, अब हम जा रहे हैं पढ़ने कि भैया जी मेरे को ये बताओ फॉर्मूला क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूलाज क्या है। एकदम ध्यान से हम लोग एक एक फॉर्मूला देखेंगे, फंडामेंटल फॉर्मूला आपको देखना है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। आप 11th में देखे हुए हैं फिर देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है सबसे पहला फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और हमसे कोई बोले कि डिफरेंशिएट, समझना मेरी बात को, डिफरेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करना है आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिनोट करना पहले सीखो, अगर ऐसा लिखे तो लिखोगे dy by dx, है ना। और dy by dx का मतलब है d तो सही है, y की वैल्यू क्या लिखी हुई है f of x, तो y की जगह fx लिखो और नीचे dx रहेगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, f dash x, ठीक है। अगर मान लो तुमको इसी चीज को ऐसे करके दे दे, समझना मेरी बात को, इसी y को अगर तुमसे बोले, समझो अब y इक्वल टू fx मत मानो, तुमको दे दे ऐसा डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखोगे dy by dt, है ना। जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं उसको dt बना के लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे t के जगह k होता तो dy by dk लिखते, अगर यहाँ पे f होता तो dy by df लिखते। तो ये एक सिंबल आपको आना चाहिए क्योंकि इसका हर जगह बहुत जगह यूज करेगा, समझ रहे हो बात को। चलो ये तो बातें हो गई, अब आओ फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका y इज इक्वल टू x पे पावर n, है ना, x पे पावर n। ये n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, 2, 4, 10, 15, 20, 25, 6, 7, 100,000, 1,02,000, 1/3, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बताई गई, कहा गया अगर dy by dx निकालना है, इसका मतलब क्या है आपको डिफरेंशिएट करना है x पे पावर n को x की रेस्पेक्ट में। सब पढ़ा हुआ है बस रिवीजन, x पे पावर n को x के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे बताओ, n कुदा दोगे, ये n जंप कर जाएगा और x पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो बताओ मेरे को फटाक से कि dy by dx क्या हो गया, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 हो गया, क्या हो गया, ये n जंप करेगा और एक पावर कम हो जाएगा, यानी n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। अब इस पे हम कुछ छोटा छोटा तुमको एग्जाम्पल दिखा दें कि तुम थोड़ा सा इससे थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ। वैसे आप 11th में इसका मैंने प्रूफ भी बताया है पूरा, फर्स्ट याद करो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, मैंने उससे बहुत अच्छे से इसकी प्रूफ समझाई है, बहुत एक एक चीज अच्छे से बताई है। आ जाओ जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन मिल गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बोला इसका dy by dx निकालिए मतलब डिफरेंशिएट करिए, तो dy by dx क्या हो जाएगा, ये 3 जंप करा दोगे, है ना, और एक्स क्यूब है तो 3 माइनस 1 पावर यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5 दे दिया, कैसे लिखोगे बताओ, dy by dx करोगे क्या मिलेगा बताओ, 5 जंप करा के x पे पावर 4 कर दोगे। ऐसे ही अगर मान लो हम तीसरा क्वेश्चन दे दे तुमको y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 7, तो बताओ इसका अगर dy by dx निकालोगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7 इंटू एक्स पे पावर 6। अगर हम वैसे ही तुमको फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे दें y इज इक्वल टू एक्स पे पावर माइनस 1, और तब हम आपसे बोले कि भैया dy by dx बताओ, आप क्या करोगे माइनस 1 को जंप कराओगे और उसके बाद x पे पावर माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस 1 और x पे पावर माइनस 2 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। अच्छा अगर इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग देख ले, अगर y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2 दिया है
और हमसे बोले कि भैया डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कैसे लिखोगे इसको, तो भैया 3 बाई 2 तो नीचे जंप करा देंगे और उसके बाद x पे पावर हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 3 बाई 2 और x पे पावर, बताओ जल्दी से, 1 बाई 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो समझो ये पूरा फॉर्मूला, आप इस पे बहुत क्वेश्चंस मैंने, एक दो क्वेश्चंस नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके ऊपर कराए हैं, छोटा मोटा नहीं बहुत क्वेश्चंस पे करने हैं। अभी एक रिकैप हो गया कि सबसे पहला फॉर्मूला है x पे पावर n का, जिसकी डिफरेंशिएशन होती है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, उस पे बेस्ड ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले इस पे अपना कमांड करना जरूरी है, ठीक है। चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से करो, जल्दी से उतार लो। ये सबसे पहला फॉर्मूला है तुम लोगों का डिफरेंशिएशन का, सबसे पहला फॉर्मूला एक्स पे पावर एन, है ना। हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो तुम लोग। अभी जो नए हैं, जिन्होंने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है, घबराओ मत, हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आपका एकदम कंप्लीट होगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। आ जाओ बच्चों, दूसरे के बाद अपना तीसरा नंबर, अगर हमको मिल जाता है y इज इक्वल टू a पर पावर x, ठीक है, y इज इक्वल टू a पर पावर x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो dy by dx जब इसका निकालोगे तो आएगा a पर पावर x log a टू दी बेस e, जिसको आप लिख सकते हो a पर पावर x ln a, क्या लिख सकते हो, a पर पावर x ln a लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, हम लोग इस फॉर्मूले को डब्बे में कर लेंगे, है ना, इस फॉर्मूले को डब्बे में कर लेते हैं, ये अपना फॉर्मूला है, है ना। चलो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया वाई इज इक्वल टू टू पर पावर एक्स और पूछा कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप लिखेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे टू पे पावर एक्स का x की रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में, x की, तो 2 पे पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पे पावर x हो जाएगा और एक्स्ट्रा में लग जाएगा ln 2, क्या लग जाएगा, ln 2, या तो log 2 टू दी बेस e लिखो या ln, तो ln ज्यादा अच्छा है, ln 2 लिख दो, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं y इज इक्वल टू 3 पे पावर x, बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, आप लिखेंगे dy by dx, यानी इसकी डिफरेंशिएशन का मतलब है 3 पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर x का डिफरेंशिएशन 3 पे पावर x और लास्ट में क्या लग जाएगा ln 3 लग जाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे नंबर पे आ जाए, थर्ड नंबर पे आ जाए, तो थर्ड नंबर पे क्या लिखिएगा, y इज इक्वल टू 5 पे पावर x, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन, तो बताओ dy by dx आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 पे पावर x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ, तो 5 पे पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा और एक्स्ट्रा में लगा देंगे ln 5। अगर ऐसे ही मैं तुमको फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन दे दूं y इज इक्वल टू 3 बाई 5 पे पावर x और बोलूं भैया इसका डिफरेंशिएशन करो dy by dx निकाल के दिखाओ, कैसे करोगे, सर जी 3 बाई 5 पे पावर x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, आसान है, 3 बाई 5 पे पावर x रहेगा, एक्स्ट्रा में लगा देंगे ln, क्या सॉरी एक्स्ट्रा में लगा देंगे ln 3 बाई 5, समझ रहे हो बात को, ये फोर्थ नंबर हो गया अपना। इसी तरह चलो फिफ्थ नंबर, जरा सोचो y इज इक्वल टू 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर x, जरा सॉल्व करके दिखाओ, सॉरी अपने से कोशिश करो जरा क्या होगा आंसर, फट से बच्चे देखेंगे एकदम आसानी से कहेंगे ओ इसको तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर x, यानी y इज इक्वल टू 6 पे पावर x, एकदम आसान है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy by dx, तो 6 पे पावर x की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बताओ 6 पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 पे पावर x ln 6 हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, 6 पे पावर x ln 6 हो जाता है, समझ रहे हो बात को, एकदम बेसिक बात है, क्लैरिटी आ रही है, कोई दिक्कत है तो एकदम, अभी बस मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं और फॉर्मूले पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स बता रहा हूं, अभी हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे बाबू, 11th की पूरी आरडी शर्मा कर जाएंगे, चिंता मत करो, बट बस इतना समझो पहले ध्यान से, क्लियर है। तो अगर ये फॉर्मूला हो ए पे पावर एक्स वाली, तो इस तरीके से बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है,
बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, तो बस इसको उतारो। फिर हम लोग फिफ्थ फोर्थ नंबर पे आते हैं, जल्दी उतारिए, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़िए। देख लो जरा, मैं फ्रेम देख लो, करेक्ट है, चलो मिटा दें इसको, चलो। आ जाइए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ नंबर फॉर्मूले पे। जो फोर्थ नंबर फॉर्मूला है वो इसी से इंस्पायर्ड है, e पर पावर x। आप जानते हैं e क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट होता है ना, नेपियर कांस्टेंट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे मेरे बच्चों, dy by dx अगर इसको करोगे तो इसका आता है e पर पावर x और ln e। तो आप जानते हैं ln e की वैल्यू 1, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, e पर पावर x। तो e पर पावर x कहता है कि भैया मेरे को कितना भी डिफरेंशिएट कर लो, हम नहीं बदलने वाले, हम थेथर हैं। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाना है, ठीक है। तो अपना फिफ्थ नंबर फॉर्मूला देखो क्या है, अगर आपको मिलता है y इज इक्वल टू log x टू दी बेस e, यहां देखो बेस क्या लगा हुआ है, e बेस लगा है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है मेरे बच्चों, तो आप इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे dy by dx, यानी log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। हमेशा याद रखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन, log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे क्या लगाना चाहिए, बेस e लगा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी का एक छोटा भाई है भैया, छोटा कहो बड़ा कहो, जो कहना है कह लो, बस याद रख लो, y इज इक्वल टू log x टू दी बेस a, यहां पे e नहीं रहेगा, यहां पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है e के सिवाय। तो इस कंडीशन में अगर आप इसका dy by dx निकालते हैं, इस कंडीशन में अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मेरे बालकों, या a लगा लो, तो आपको मिलेगा, आपको 1 बाई एक्स मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा में मिलेगा ln a। क्या मिलेगा, ln a। जैसे यहां a पे पावर x में a पे पावर x मिलता था, बट एक्स्ट्रा में ln a मिलता था, वैसे यहां पे 1 बाई एक्स मिलेगा, लेकिन नीचे नीचे डिनोमीटर में ln a मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है छठा नंबर। अब देखो छठा नंबर में वेराइटी क्रिएट हो सकती है, तो जरा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू वेराइटी को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लो सिक्स नंबर का हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको, आपको क्वेश्चन मिल गया वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस 2, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो गया log x का, और 2 लगा था इसीलिए एक्स्ट्रा में लगा दोगे ln 2। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू log x टू दी बेस 3, ठीक है, बेस 3 कर दिया। तो बताओ अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, अगर आप dy by dx लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन log x टू दी बेस 3 का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब आप इसको कैसा लिख सकते हो बताओ, आप फटाक से इसको लिख सकते हो 1 by x, और एक्स्ट्रा में क्या लगा दोगे, ln 3 लगा दोगे, ये आपका दूसरा हो गया। अगर मान लो आपको इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन मिल जाए y इज इक्वल टू log x टू दी बेस 4, क्या लिखोगे आंसर बताओ, क्या लिखोगे, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x एक्स्ट्रा में ln 4, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है y इज इक्वल टू log x टू दी बेस 5, क्या लिखोगे बताओ, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x और एक्स्ट्रा में ln 5 लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो फिफ्थ नंबर पे मिल जाता है y इज इक्वल टू log x टू दी बेस 6, क्या लिखोगे बताओ, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x और एक्स्ट्रा में ln 6 लग जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में तो वेराइटीज नहीं हो सकती हैं, ये तो फिक्स्ड फॉर्मूलाज ही हैं, लेकिन यहां हम वेराइटी क्रिएट कर सकते हैं, और हमने क्रिएट करके कुछ एग्जांपल्स देखा। ये आपका छठा नंबर प्रॉब्लम, ये छठा नंबर आपका हो गया क्या, फंडामेंटल फॉर्मूला। अब इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 करो, फटाफट करो बच्चों, एकदम आराम आराम से करिए, एकदम ध्यान ध्यान से, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे ना? आइए अब
थोड़ा सा चीजों को और बढ़िया करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास सातवां नंबर फॉर्मूला आ गया, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू मिल गया साइन एक्स, एकदम सबको पता होता है कि भैया जी डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हमेशा याद रखना है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है मेरे प्यारे बालकों, कॉस एक्स होती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आ गए, ठीक है। फिर आते हैं आठवें नंबर पे, अगर वाई इज इक्वल टू हमें कॉस एक्स मिल जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो भैया जी कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एकदम सिंपल तरीके से देखो, माइनस साइन एक्स, एकदम आराम आराम से, कोई अंतर नहीं, बस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। लेकिन अगर हम नाइन्थ नंबर पे आ जाएं और हमें मिल जाए वाई इज इक्वल टू टेन एक्स और हमसे बोला जाए भैया डी वाई बाई डी एक्स बताओ, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है मेरे बालकों सेक स्क्वायर एक्स, क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका नाइन्थ नंबर फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें तो वेराइटी नहीं ना हो सकती है यार, समझ लो, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब आते हैं दसवें नंबर पे, अगर आपको मिल जाए वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाए, मान लो कॉट एक्स मिल जाए, तो अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए आप क्या लिखोगे, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन लिखेंगे सर जी, कॉट एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है सर जी। ये मेरा दसवां नंबर फॉर्मूला निकल के आ गया है ना, एकदम आराम आराम से लिखते हैं। फिर ग्यारहवां नंबर फॉर्मूले पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू अगर मान लो कॉट एक्स का तो हो गया सर जी, वाई इज इक्वल टू मान लो लिख दिया सेक एक्स, अब क्या करें, कुछ नहीं डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स करना चाहते हो। आसानी से सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है मेरे बालकों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होती है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। उसी तरीके से बारहवें नंबर पे आते हैं अपने पास जो अपना ट्वेल्थ फॉर्मूला है, वाई इज इक्वल टू अगर आ गया कॉसेक एक्स, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भैया डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, कॉसेक एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बताओ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपके कितने फॉर्मूले मिल गए आपको, 12 फॉर्मूले। ये 6 का 6 फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड था, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला था। इसको भी उतारिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, या एक काम करते हैं मत आगे बढ़ो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 12 नंबर के फॉर्मूले तक रखते हैं। कल का जो हमारा क्लास होगा इस 12 फॉर्मूले के बाद, हम थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इन सब का 6 और फॉर्मूला है, उन 6 फॉर्मूले को स्टार्टिंग के 5 मिनट में बताएंगे और उसके बाद सारे फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बिना प्रोडक्ट रूल और बिना डिवीजन रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और जब ये कर लेंगे तब प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन करेंगे और डिवीजन रूल का क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो 3 लेक्चर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारे 11th का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और एकदम ध्यान से देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन पे पकड़ बनाने का एकमात्र तरीका है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत कर रखी है। अगर आपने खूब क्वेश्चन बनाए हो, खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए हो ना, तो आपसे डिफरेंशिएशन चैप्टर आपको एकदम आसान लगेगा, कभी ये टफ नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपने इस पे फॉर्मूले अच्छे से नहीं बनाए हैं, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, बिकॉज ये सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंप्लीफिकेशन जितने अच्छे से आएगा आप उतने ही अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर काउंट होता है, ठीक। तो एकदम इसी सोच के साथ आप पूरा फॉर्मूला 12 का 12 फॉर्मूला याद कर जाओ, जो आज बताए हैं उसको एक बार रिवाइज कर जाओ और आराम से मस्त रहो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते रहो, मैथ्स भी अच्छे से पढ़ते रहो, घर में रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।